गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा चौथी विषय हिंदी उप विषय हमारा हमारा सिलेबस हो चुका है। हम प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट कर रहे थे तो उसमें हमारे टू टॉपिक रहते थे, कहानी और एक चित्र वर्णन। ठीक है, तो पहले करेंगे हम कहानी। उसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, उनको पूरा करके हमने कहानी लिखी है। ये जो कहानी है ये चतुर मुर्गा और लोमड़ी की कहानी है ये। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। एक लोमड़ी किसी गांव के पास से जा रही थी, अचानक उसकी नजर पेड़ डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। क्या था, एक जो लोमड़ी थी वो किसी पास के गांव से गुजर रही थी, जा रही थी, उसकी जो नजर है वो एक पेड़ पर बैठे मुर्गे पर पड़ी। वह उसे खाना चाहती थी। किसको, मुर्गे को। उसने मुर्गे से कहा, तुम वहां डाल पर बैठे क्या कर रहे हो। मुर्गे ने किससे कहा, उसने मुर्गे से कहा, तुम वहां डाल पर बैठे क्या कर रहे हो। मुर्गे को तो जमीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए। किसने कहा ये बात, लोमड़ी ने कही कि तुम वहां जमीन पर पेड़ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो। मुर्गे को तो जमीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए, आओ नीचे आ जाओ, हम दोनों साथ बैठकर कुछ गपशप करेंगे। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। किसने जवाब दिया ये, मुर्गे ने जवाब दिया कि जो खतरनाक जानवर हैं उनके डर से मैं यहाँ बैठा हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझे दबोच न सके। अरे तुमने आज जंगल का मुख्य समाचार नहीं सुना। जो मुर्गा था वो कह रहा है कि मैं इसीलिए ऊपर बैठा हूँ कि कोई खतरनाक जानवर आके मुझे खाना। तो फिर लोमड़ी कहती है कि आपने आज जंगल का जो मुख्य समाचार है वो सुना नहीं क्या। तो मुर्गा खुश होकर कहता है कि आज का जो मुख्य समाचार है वो क्या है, जंगल का जो मुख्य समाचार है वो क्या है। जंगल के सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। जो जंगल के पशु पक्षी हैं, उन सब में समझौता हो गया है और कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा। यह तो सचमुच बहुत अच्छा समाचार है, और यह तो सच में ही बहुत ही अच्छा समाचार है। कहते कहते मुर्गे ने अपनी गर्दन कहते कहते मुर्गे ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखा, जैसे उसे दूर कुछ दिखाई दे रहा हो। क्या देख रहे हो, कुछ नहीं, तुम बार बार गर्दन ऊंची करके क्या देख रहे हो। कुछ तो बात है, कोई खास बात नहीं है, कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर आ रहे हैं। यह सुनकर लोमड़ी घबरा कर बोली, क्षमा कीजिए, क्षमा करना मित्र, मैं चलती हूँ। अरे तुम डर क्यों रही हो, जंगल के पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है। हाँ समझौता तो हो गया है, पर यह समाचार अभी कुत्तों तक नहीं पहुंचा है। यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई। इस प्रकार मुर्गे ने सूझबूझ से अपनी रक्षा की। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, सूझबूझ ही मनुष्य का सहारा होता है। तो बेटा ये है आपकी कहानी, और ये एक लोमड़ी और मुर्गे की कहानी है। ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करनी है, आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। ये जो कहानी लिखवाई है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ही राइट करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको लर्न करना है। और जो इसके लास्ट वाला लेसन है वो आपने क्या करना है,
लास्ट वाला क्वेश्चन है जो दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। ये इस चित्र की आपने 6 लाइनें अपने आप राइट करनी है चित्र को देखकर। जैसे कि ये एक नदी का दृश्य है, नदी के किनारे कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, स्त्रियां कपड़े सुखा रही हैं, नदी के किनारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आपने इस टाइप से इसके ऊपर 5, 6, 7, 8 जितनी भी लाइनें आप लिख सकते हो आपने वो राइट करनी है और इसको लर्न करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।